हेलो फ्रेंड्स, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वैलेंटाइन डे स्पेशल मिनी हार्ट पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो मिनी हार्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले पिज़्ज़ा का डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बाउल में 4 कप भर के मैदा डालेंगे। तो मैदा को हमने छान के यूज़ किया है। उसके बाद 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून शुगर। उसके बाद यहाँ पे हमने इंस्टेंट ईस्ट लिया है, उससे हम डो बनाएंगे। तो 1 टेबल स्पून भर के हम ईस्ट डाल देते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पे हमने ऑलिव ऑयल डाला है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो जो आप यूज करते हो। उसके बाद अच्छे से आटा को मिक्स करेंगे। और दूसरी साइड मैंने पानी भी थोड़ा सा गर्म कर लिया है। लाइट वार्म पानी से हम डो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 कप पानी उसमें डालेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम आगे भी ऐड कर देंगे। और फिर से मैंने आधा कप पानी लिया है, तो आधा कप पानी मैंने ऐड कर दिया है। तो ये डो में फिर से 2 टेबल स्पून जितना पानी ऐड कर रही हूँ। तो टोटली 4 कप मैदा में हमने 1.5 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी हमने यूज़ किया है। तो डो को हम अच्छे से मसल के रेडी करेंगे। तो पिज़्ज़ा के लिए हमारा परफेक्ट डो बन गया है। तो राउंड साइज का बॉल्स बना के हम ये डो एक बड़े बाउल में रख देते हैं, ताकि हमारा डो अच्छा खासा फूले। तो इस तरह से बॉल्स रख के बाउल के ऊपर हम प्लास्टिक से कवर कर देंगे। उसके ऊपर हम एक कटिंग बोर्ड रख के ये डो को हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। इंस्टेंट ईस्ट लिया है, तो ये डो को फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है तो भी हमारा डो अच्छा खासा फूलेगा। तो लीजिए, यहाँ पे हमारा डो अच्छा खासा फूल के रेडी हो चुका है। मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट दिया था। 1 घंटे में हमारा परफेक्ट डो फूल के रेडी हो चुका है। तो इस डो को हम थोड़ी देर मसलेंगे। मसलने के बाद हम उसमें से छोटी साइज का बॉल्स लेके पिज्जा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये कटिंग बोर्ड पर मक्की का आटा डाल के जिस तरह से पराठा बेलते हैं, इस तरह से हम डो को बेलेंगे। तो हम मिनी साइज का हार्ट पिज्जा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने स्मॉल साइज का बॉल्स लिया है। तो इस तरह से बेल के हम एक टूथ पिक से हार्ट का शेप दे देते हैं। उसके बाद हम पिज्जा कटर से इस हार्ट को कट कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा एक हार्ट बन के रेडी हो चुका है। और ये हार्ट हम पिज्जा बेक की ट्रे में रख देते हैं। तो ये ट्रे के ऊपर मैंने फॉइल लगा लिया है, उसके ऊपर हम ये हार्ट पिज्जा रख देते हैं। और इस तरह से दूसरा भी मैंने हार्ट बना लिया है। और दूसरी साइड मैंने ओवन भी प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो हमारा 4 हार्ट बन के रेडी हो चुका है। तो इस पिज्जा के ऊपर हम पिज्जा सॉस लगाएंगे। तो पिज्जा सॉस की रेसिपी भी हमने अपलोड किया है, तो उसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सॉस हम अच्छा खासा लगाएंगे।
सॉस लगाने के बाद ऊपर हम मोजरेला चीज़ डालेंगे, तो चीज़ भी आप अपना हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद वैलेंटाइन डे स्पेशल हार्ट पिज़्ज़ा है, तो ये पिज़्ज़ा के ऊपर हम रेड कैप्सिकम रखेंगे। तो ये साइड हमारा ओवन भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो ये पिज़्ज़ा को हम बेक करने के लिए रख देते हैं। जब तक ये पिज़्ज़ा ऊपर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम बेक करेंगे। तो लीजिए हमारा पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। मैंने 15 मिनट के लिए ये पिज़्ज़ा को बेक किया था, आप देख सकते हो नीचे भी क्रिस्पी करारा बन गया है। तो गर्मा गर्म वैलेंटाइन डे स्पेशल पिज़्ज़ा हट खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो ये पिज़्ज़ा के साथ आप कोई भी चिप्स या कोई भी जूस के साथ सर्व कर सकते हो, और वैलेंटाइन डे पर आप ये पिज़्ज़ा हट बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।